नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जोधपुर रेलवेज यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए एकदम नया और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ, बिल्कुल ही अलग टॉपिक पर। सन सिटी जोधपुर और पिंक सिटी जयपुर राजस्थान की दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीज हैं हर एस्पेक्ट में, और रोजाना इन दो सिटीज के बीच में हजारों पैसेंजर्स ट्रेवल करते हैं बसों में और ट्रेनों में। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि ट्रेन ज्यादा कंफर्टेबल होती है, तो भारी मात्रा में लोग ट्रेनों में सफर करते हैं जयपुर से जोधपुर के बीच में। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ टॉप 5 फास्टेस्ट ट्रेन बिटवीन जयपुर एंड जोधपुर। यह सारा डेटा मैं IRCTC जो की इंडियन रेलवे की ऑफिशियल टिकटिंग वेबसाइट है वहां से निकाल कर लेकर आ रहा हूं, जो कि एकदम सही है और कोई स्पेशल क्राइटेरिया नहीं है फास्टेस्ट ट्रेन्स का, क्योंकि सारी ट्रेनें इन दो सिटीज के बीच में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करती है अलग अलग टाइम में। और टोटल 17 ट्रेनें जिसमें वीकली ट्रेन्स भी इन्वॉल्व हैं जयपुर से जोधपुर के बीच में चलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 5 पर आती है 22977 जयपुर जोधपुर इंटरसिटी सुपरफास्ट, जिसे हाईकोर्ट सुपरफास्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह ट्रेन जयपुर से जोधपुर के बीच की 310 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे और 5 मिनट में तय करती है और इस रूट की वन ऑफ द मोस्ट फेमस ट्रेन्स में से एक है। तो नंबर 4 पर एक नहीं बल्कि दो ट्रेनें आती हैं, हालांकि दोनों ट्रेनों का रैक सेम है, रैक शेयरिंग होता है दोनों ट्रेनों का और दोनों का टाइम स्लॉट भी सेम है। यह ट्रेनें हैं 14646 जम्मू तवी जैसलमेर शालीमार एक्सप्रेस और 14662 जम्मू तवी बाड़मेर एक्सप्रेस। दोनों ही ट्रेनें 5 घंटे में जयपुर से जोधपुर आ जाती है। नंबर 3 पर भी एक नहीं दो दो ट्रेनें हैं। इनमें पहले आती है 18573 विशाखापट्टनम भगत की कोठी वीकली एक्सप्रेस और 22674 मन्नारगुड़ी भगत की कोठी वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस। दोनों ही ट्रेनों का टाइमिंग्स अलग है, लेकिन दोनों ही ट्रेनें 4 घंटे और 55 मिनट में जयपुर से जोधपुर की दूरी तय कर लेती है। नंबर 2 पर भी दो ट्रेनें आती हैं, दोनों ही ट्रेनें बाड़मेर की हैं, दोनों ही ट्रेनों के बीच में रैक शेयरिंग है और टाइम स्लॉट भी सेम है। इसमें आती है हफ्ते में 5 दिन चलने वाली 20490 मथुरा बाड़मेर सुपरफास्ट और हफ्ते में 2 दिन चलने वाली 20488 दिल्ली बाड़मेर मालानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। दोनों ही ट्रेनें नाइट राइडर है सुपरफास्ट है इस सेक्शन की और 4 घंटे 45 मिनट में जयपुर से जोधपुर आ जाती है। तो फाइनली नंबर 1 जयपुर से जोधपुर फास्टेस्ट ट्रेन्स बताने से पहले मैं बता दूं आपको कि यदि आपने यह वीडियो यहां तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यह करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है। तो नंबर 4, नंबर 3 और नंबर 2 की तरह भी नंबर 1 पर दो ट्रेनें आती हैं, हालांकि इनमें एक ट्रेन नॉनस्टॉप है जयपुर से जोधपुर के बीच और एक ट्रेन के हॉल्ट्स हैं, पर दोनों ही ट्रेनें सेम टाइम में डिस्टेंस कवर करती है और दोनों ट्रेनों का टाइमिंग अलग अलग है। तो इनमें सबसे पहले आती है जयपुर से जोधपुर के बीच वन एंड ओनली नॉनस्टॉप ट्रेन 20482 तिरुचिरापल्ली भगत की कोठी हम सफर एक्सप्रेस, और फिर आती है 15632 गुवाहाटी बाड़मेर वीकली एक्सप्रेस। दोनों ही ट्रेनें फास्टेस्ट हैं, लेकिन गुवाहाटी बाड़मेर को ऊपर रखा जाएगा हम सफर से, क्योंकि यह ट्रेन स्टेशनों पर रुकती रुकती आती है और हम सफर नॉनस्टॉप है। दोनों ही ट्रेनें 4 घंटे 35 मिनट में जयपुर से जोधपुर आती है, जो कि इन दोनों ट्रेनों को फास्टेस्ट बनाती है इस सेक्शन पर। तो ये तो बात कर ली टॉप 5 फास्टेस्ट ट्रेन्स बिटवीन जयपुर एंड जोधपुर। 5 के बजाय मैंने 9 ट्रेनें आपको बताई है, पर क्या असल में यह ट्रेनें इतने टाइम में डिस्टेंस कवर कर पाती हैं? कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल आया होगा कि इंदौर जोधपुर रणथंबोर सुपरफास्ट एक्सप्रेस का नाम इसमें क्यों नहीं है। वह इसलिए क्योंकि इस ट्रेन को रायकाबाग से जोधपुर के बीच में काफी स्लैक दिया गया है, इस वजह से यह ट्रेन टॉप 5 में नहीं आ पाई है। वरना तो यह ट्रेन 9:26 पर रायकाबाग इसका टाइमिंग है, यानी कि जयपुर से जोधपुर इसका जो टाइम स्लॉट है असल में 4:36 का है, क्योंकि रायकाबाग भी जोधपुर में ही आता है। जोधपुर सिटी में एंटर हो जाती है ट्रेन और रायकाबाग से जोधपुर की दूरी केवल 2 किलोमीटर है, लेकिन उसके लिए ज्यादा टाइम स्लॉट दिया गया है, यानी कि अगर ट्रेन लेट हो तो जोधपुर ऑन टाइम हो सके। इस वजह से जयपुर से जोधपुर के बीच की दूरी वह 5:20 में तय कर रही है। अभी सेम सीन हाईकोर्ट सुपरफास्ट के साथ है, जयपुर से रायकाबाग तक इस ट्रेन का टाइम स्लॉट 4:26 का है, लेकिन जयपुर से जोधपुर तक इसका टाइम स्लॉट 5:05 का है। इस ट्रेन में भी स्लैक दिया गया है, इस वजह से यह ट्रेन 5वें नंबर पर आई है, वरना रायकाबाग भी जोधपुर में ही आता है, तो उसको देखते हुए इस ट्रेन को नंबर 1 पर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है रेलवे के स्लैक की वजह से। बाकी जो दूसरी ट्रेनें हैं वे लगभग अपने टाइम स्लॉट में कवर कर लेती है, ज्यादा से ज्यादा 10-15 लेट होती है, यानी कि 5 के अंदर अंदर बाकी की जो ट्रेनें हैं वह कवर कर लेती है जयपुर से जोधपुर का डिस्टेंस। और डेली फास्टेस्ट ट्रेन की बात करें तो उसमें नंबर 1 पर
आएगी 22977 जयपुर जोधपुर इंटरसिटी, जिसको हाईकोर्ट एक्सप्रेस भी बोलते हैं, और नंबर 2 पर आएगी रणथंबोर सुपर फास्ट 12465 इंदौर जोधपुर। बाकी सारी जो भी ट्रेन है वीकली, बाई वीकली, ट्राई वीकली, हफ्ते में 4 दिन और हफ्ते में 5 दिन वाली है, तो उनको डेली फास्टेस्ट में ही कह सकते। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो के बारे में राय जरूर से दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स और इंटरेस्टिंग ट्रेन वीडियोस को।